हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर लास्ट मोमेंट पर आखिर क्यों हुआ बदलाव? प्रियंका चाहर चौधरी को नहीं मिली बिग बॉस 16 की ट्रॉफी और आखिर क्या है इन सब का साजिद खान से कनेक्शन? दोस्तों सवाल कई सारे हैं, लेकिन इनके जवाब मिलेंगे आपको हमारे आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर साजिद खान का है इस बात से कनेक्शन। साजिद खान है इस बात की वजह, ये वजह कि आखिर क्यों नहीं मिली प्रियंका को बिग बॉस 16 की ट्रॉफी। जी हाँ, लगातार ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि साजिद खान की वजह से प्रियंका बिग बॉस 16 की विनर नहीं बन पाई। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साजिद खान ने एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया था बिग बॉस के मेकर्स को कि प्रियंका शो की विनर बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रियंका और साजिद खान की घर के अंदर होती आ रही लड़ाई है। जी हाँ, हालांकि साजिद ने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया कि वो हर चीज़ को अपने ईगो पर ले रहे हैं, लेकिन साजिद खान जब घर के बाहर आए तब ये बात साफ हो गई। जिस तरह से प्रियंका ने घर के अंदर साजिद के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था, जिस तरह से प्रियंका और साजिद की कट्टर की लड़ाई होती थी, टक्कर के दुश्मन थे ये दोनों, ऐसे में जब साजिद घर के बाहर आए तब उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स को ये अल्टीमेटम दे दिया कि प्रियंका शो के विनर नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी भी बिग बॉस में आगे चलकर फराह खान नहीं आएंगी, और यही वजह रही कि बिग बॉस के मेकर्स को लास्ट मोमेंट पर प्रियंका को हटाकर एमसी स्टैन को जिताना पड़ा। दोस्तों इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना।